तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 21 फरवरी 2020 के लिए 100 मार्क्स हिंदी में 60 गेस ऑब्जेक्टिव को करेंगे, जो कि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यदि जो आप लोग इसको टेस्ट के रूप में देना चाहते हो तो आप लोग 60 ऑब्जेक्टिव में यहां पे 55 मारते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि 50 ऑब्जेक्टिव में 50 आ जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग इसमें 45 मारते हो तो भी आप लोग को बोर्ड में यहाँ पर 50 में 50 करेक्ट आएंगे। यदि जो आप लोग 30 मारते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर 35 से 38 ऑब्जेक्टिव आप लोग कन्फर्म वहाँ पे मार देंगे। साथ ही साथ यदि जो आप लोग 18 से 19 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मारते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 27 से 28 मार्क्स हिंदी में कन्फर्म आ जाएंगे। तो इसको आप लोग यहाँ पे एक टेस्ट के रूप में भी अपना ईमानदारी पूर्वक अपने कॉपी पे यहाँ पे 1 से 60 तक नंबरिंग कर लीजिए और आप लोग देखिए कितना अप्रोक्स आप लोग का सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन अब फर्स्ट बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो फर्स्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आप सभी को मालूम होगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दो बोला जा रहा है, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा यहाँ पे दो करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे, मुंडा भारत देश की जाति है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीन बोला जा रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन का राइट आंसर ए हो जाएंगे, गौड़ देश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चार बोला जा रहा है, हिरोशिमा कहाँ है? तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, हिरोशिमा जापान में स्थित है। तो फोर का राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पाँच बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर पाँच बोला जा रहा है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो कौन है? पाँच का राइट आंसर ए हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है, शीर्षक, तो यहाँ पे गुणाकर मूल्य, तो यहाँ पे फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छः में बोला जा रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो छः का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे, भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि, यहाँ पे छः का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, ये पाठ है जो कि किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सात में बोला जा रहा है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? सात का राइट आंसर सी हो जाएंगे, देवनागरी हो जाएंगे। ठीक है, मराठी भाषा को लिपि में हम लोग यहाँ पे देवनागरी बोलते हैं, तो यहाँ पे सात का राइट आंसर सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एट में बोला जा रहा है, रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? तो यहाँ पे एट का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, कहानीकार के रिश्ते ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नाइन बोला जा रहा है, रफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजलो किसकी देन है? तो यहाँ पे नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, इटली की। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टेन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन में बोला जा रहा है, नटरंग पत्रिका का संबंध है, तो किस चीज से संबंध है? तो टेन का राइट आंसर डी हो जाएंगे, रंग क्रम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 बोला जा रहा है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, 19 दिन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 बोला जा रहा है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो यहाँ पे 12 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, पिताजी ने। ठीक है, आप लोग कहानी पढ़े होगे तो मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 बोला जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, 21 अगस्त 2006 को। काफी कल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 बोला जा रहा है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, अक्षर ज्ञान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 बोला जा रहा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे, यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 बोला जा रहा है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, 1540 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 बोला जा रहा है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे, ब्रजभूमि में चले गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 बोला जा रहा है, रस खान की भक्ति कैसी थी? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, सगुन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 बोला जा रहा है,
कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो 19 करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे, भारतीयता। ठीक है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता हो जाएंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ पे 20 में बोला जा रहा है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, प्रेमघन का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 बोला जा रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है, दोहा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है, सर बिंदु हासनी कौन है? तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, भारत माता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, पद्म विभूषण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 बोला जा रहा है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 बोला जा रहा है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, कुंवर नारायण है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, लेखक कौन है? तो यहाँ पे कुंवर नारायण, 25 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 बोला जा रहा है, दुशक में श्रेष्ठा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, साहित्य अकादमी का यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है, सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, सा आ, इसका यहाँ पे तालू से उच्चारण होता है, 27 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, तालू से, ई ई का उच्चारण यहाँ पे तालू से होता है, 28 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 बोला जा रहा है, भवन का सही संधि विच्छेद है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, भो प्लस अन हो जाएंगे भवन। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, भो प्लस अन, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 बोला जा रहा है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, 30 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, पो प्लस इत्र हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आपको कल कन्फर्म पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, लाघव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे, यमुना, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। 33 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, राम, राम सर्वनाम नहीं है, बाकी सब सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 बोला जा रहा है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 34 का डी हो जाएंगे, सु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 बोला जा रहा है, ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, तो ठाकुर का यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप क्या होंगे? तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, ठाकुराइन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है, गायक का स्त्रीलिंग होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होंगे? 36 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, गायिका। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 37 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, ईला हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होता है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, पछताना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 बोला जा रहा है, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे, में यहाँ पे ऊषा काल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 बोला जा रहा है, वह घर पहुंच गया, इस वाक में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 बोला जा रहा है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आलस्य का विशेषण आलसी हो जाएंगे, तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है, तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है, किनारा का पर्यायवाची क्या है? तो किनारा का पर्यायवाची क्या होंगे, 43 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, तीर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 बोला जा रहा है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं,
इस वाक में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, अधिकरण कारक हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 45 बोला जा रहा है, राजपुत्र में कौन सा समास है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 45 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 46 बोला जा रहा है, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 46 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, दाल भात दाल रोटी ऐसे यहाँ पे द्वंद समास होते हैं, तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 47 में बोला जा रहा है, सीता के कितने बेटे थे? तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है, सीता के 3 बेटे थे, तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है, शुद्ध वाक्य क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, चारों में ए शुद्ध दिया है, ठीक है, तो एक यहाँ पे 48 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 49 बोला जा रहा है, दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, बाढ़ की समस्या पे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 50 में बोला जा रहा है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 बोला जा रहा है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, पिता ने। क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, पैसे चुराने का यहाँ पे बहादुर पर उनके रिश्तेदारों ने आरोप लगाए थे, इसी कारण यहाँ पे बहादुर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 बोला जा रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 53 आप सभी को मालूम होना चाहिए, 53 का यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएंगे, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक रेनर मारिया रिल्के है, तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, चौराहा जो कि यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 बोला जा रहा है, अव्ययी भाव समास में पद प्रदान होता है, तो कौन सा पद प्रदान होता है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे पूर्व हो जाएंगे, 55 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो कौन सा कारण है यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? 56 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जाति प्रथा, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे 56 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 बोला जा रहा है, शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध है? 57 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, अभिलाषा, जो कि शुद्ध शब्द है, बाकी ये सब शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है, घनानंद कवि है, तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, रीति मुक्त कवि है। क्वेश्चन नंबर 59, जन्म से ही पागल है, तो जन्म से ही कौन पागल था? तो आप लोग कहानी पढ़े होगे तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 59 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे, पाप पाती हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला जा रहा है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, माँ ने लेखक को मछली खाने से मना किए थे, तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और आपको यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन चाहिए कमेंट करिए, तभी आप लोगों को प्रोवाइड होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।